फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो कि हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को प्रोडक्ट करने चाहिए यूज, तो इसी तरह ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आपने किसी शैम्पू और कंडीशनर को परचेज करना है, अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पहले आप चेक कर लें, जान लें कि आपके हेयर की टाइप कौन सी है, कौन सी आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन बातों का ध्यान में रख के ही आप लोगों को शैम्पू और कंडीशनर का करना चाहिए यूज, क्योंकि काफी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में शैम्पू और कंडीशनर की रेंज में, तो काफी डाउट हो रहता है कि हमें कौन सा शैम्पू परचेज करना है, कौन सा सूट करेगा हमारे हेयर को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये डव के डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू और कंडीशनर। मैं शेयर करूंगी कि इनमें से कौन सा डव का शैम्पू आपको करेगा सूट, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक टिप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डव हेयर थेरेपी की रेंज में शैम्पू और कंडीशनर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मेरे पास है ये डव हेयर थेरेपी की रेंज में डेली शाइन शैम्पू एंड कंडीशनर, और इन शैम्पू और कंडीशनर की खास बात यह है कि इसमें उन्होंने न्यूट्रिटिव सीरम का किया है यूज, ताकि हेयर को क्लीन करने के साथ साथ आपके हेयर को बाद में ये अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करें, ताकि आपके हेयर वॉश होने के बाद ड्राई ना दिखें। तो जो ये वेरियंट है डव कि इस रेंज में, ये खासतौर पे उन लोगों के हेयर को सूट करेंगे जिन लोगों के हेयर या तो नॉर्मल है या तो थिन है, यानी कि नॉर्मल और थिन हेयर वालों ने हमेशा इस वेरिएंट को ही करना है परचेज। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप क्लीन ही करना चाहते हो अपने हेयर को, तो अफोर्डेबल ऑप्शन है डव के इन शैम्पू और कंडीशनर को लेके। सो नेक्स्ट मेरे पास हेयर थेरेपी की रेंज में अवेलेबल है डव का ये ऑक्सीजन मॉइस्चराइजर शैम्पू, और जो ये वेरिएंट है उन लोगों के हेयर को सूट करेगा जिन लोगों को हेयर काफी ज्यादा पतले हैं, और पतले होने के साथ साथ काफी ज्यादा वो ड्राई दिखते हैं, काफी ज्यादा वो डल दिखते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वेरिएंट है डव के ब्रांड में, तो आप इस शैम्पू को कर सकते हो परचेज, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑक्सी फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो आपके हेयर की ड्राइनेस को दूर करेगा, उनको स्मूथ बनाएगा, और 95% तक जो आपके थिन हेयर है वो दिखेंगे बाल में बाउंसी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम डेफिनेटली आपको नजर आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है इस रेंज में आप यही शैम्पू को परचेज करें, और सेम ऑक्सीजन मॉइस्चराइजर कंडीशनर भी अवेलेबल है उसको करें परचेज। सो नेक्स्ट मेरे पास हेयर थेरेपी की रेंज में अवेलेबल है ये डव का इंटेंस रिपेयर शैम्पू और कंडीशनर, और ये कौन सी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, तो जिन लोगों को काफी ज्यादा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, और जो लोग काफी स्ट्रेटनर का, कलर का, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग टूल्स का यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उनके हेयर काफी ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप ये इंटेंस रिपेयर शैम्पू और कंडीशनर का करें यूज, क्योंकि इसमें उन्होंने कैरेटिन एक्टिव्स का किया है यूज, और जो कैरेटिन है हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन है, अगर उसका लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे हेयर काफी ज्यादा ब्रेक होना हो जाते हैं स्टार्ट, तो आपके हेयर को अच्छी तरह से रिपेयर करेगा, हेयर स्ट्रैंड को अच्छी तरह से रिपेयर करने का काम करते हैं ये कैरेटिन एक्टिव्स। तो बेस्ट ऑप्शन है आप इस रेंज में डव का इंटेंस रिपेयर शैम्पू और कंडीशनर का करें यूज, बट एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो इस रेंज में ये इंटेंस रिपेयर वाला शैम्पू ना करें परचेज, जस्ट जिन लोगों के जो हेयर हैं बीच बीच में टूटना स्टार्ट हो गए, काफी टूट रहे हैं बीच बीच में, यानी कि हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के नहीं, अगर हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है तो बेस्ट ऑप्शन है ये इंटेंस रिपेयर शैम्पू का करें यूज। सो नेक्स्ट मेरे पास हेयर थेरेपी की रेंज में अवेलेबल है ये डव का हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू, तो जिन लोगों को काफी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है उन्होंने इस रेंज में इसी शैम्पू को करना है परचेज, क्योंकि इसमें उन्होंने न्यूट्री लॉक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो आपकी रूट्स को अच्छी तरह से रिशेस भी करेगा, तो बेस्ट ऑप्शन है आपकी रूट्स को स्ट्रांग भी बनाएगा और आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी करेगा दूर, तो मिनिमम 2 वीक्स के बाद ही आपको रिजल्ट नजर आएगा, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो 2 वीक्स के बाद ही आपको रिजल्ट नजर आएगा अगर आप इस शैम्पू का करते हो रेगुलरली यूज। तो इस रेंज में आपने यही हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू का और हेयर फॉल रेस्क्यू कंडीशनर दोनों प्रोडक्ट्स का एक साथ करना है रेगुलर यूज। सो अब हम बात करते हैं डव की एडवांस हेयर सीरीज के अंडर जो शैम्पू और कंडीशनर आते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास वेरिएंट है ये रीजनरेटिव रिपेयर का, तो ये शैम्पू और कंडीशनर खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों के हेयर एक्सट्रीमली डैमेज है, एक्सट्रीमली डल और ड्राई हो चुके हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप इनका कर सकते हो यूज, तो अगर आपके हेयर काफी ज्यादा थिक भी है, फ्रिजी भी दिखते हैं, डल और ड्राई भी दिखते हैं, बेस्ट ऑप्शन है थिक हेयर वालों के लिए आप
डव की इस रेंज में इस वेरिएंट को ही करें परचेज, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए डव ब्रांड के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके। तो काफी अच्छा रिजल्ट है इन दोनों प्रोडक्ट्स का, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि हेयर काफी ज्यादा आपके थिक है, ड्राई है, डल है या डैमेज हो चुके हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आप ये रीजनरेटिव रिपेयर वेरियंट को करें परचेज। सो नेक्स्ट मेरे पास एडवांस हेयर सीरीज में है ये डव का रिजनरेटेड वॉल्यूम फॉर थिनिंग हेयर वेरिएंट अवेलेबल। तो ये शैम्पू और कंडीशनर उन लोगों के लिए जिन लोगों के हेयर काफी ज्यादा पतले हैं और वो चाहते हैं कि यूज करने के बाद आपके हेयर बाद में बिल्कुल भी फ्लैट ना दिखे, अच्छे दिखे, वॉल्यूम उनमें नजर आए, तो आपने इस वेरिएंट को करना है परचेज, तो बेस्ट ऑप्शन है खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों के हेयर काफी ज्यादा थिन है और वो वॉल्यूम चाहते हैं अपने हेयर में और वॉल्यूम भी आए और साथ में हेयर स्मूथ भी दिखे, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस वेरिएंट को करें परचेज। सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टिप इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो मेरा आज का टिप आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपने ये डव के शैम्पू और कंडीशनर का यूज करना है तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि वीक में आप 2 या 3 बार ही इन डव के शैम्पू और कंडीशनर का करें यूज। उसका रीजन ये है कि जो ये डव के प्रोडक्ट्स हैं, डव के शैम्पू और कंडीशनर केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री नहीं है, इनमें उन्होंने सल्फेट्स का भी यूज किया है और पैराबिन्स का भी किया है यूज। बट जो लोग डेली हेयर वॉश करते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि डेली आपने सल्फेट फ्री शैम्पू का ही करना है यूज। तो मैंने एक वीडियो ये भी शेयर किया था कि सल्फेट वाले शैम्पू यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या है उनके डिसएडवांटेजेस, वो वीडियो पूरा आप जरूर चेक कर लें ताकि आपके सारे डाउट्स हो जाएं क्लियर। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था मेरा आज का टिप इन प्रोडक्ट्स को लेके। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो इन डव के डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू और कंडीशनर को लेके, एंड आई होप आज का वीडियो देखने के बाद अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपने इनमें से कौन सा डव का शैम्पू और कंडीशनर करना है परचेज। तो अगर आप इनमें से किसी भी शैम्पू और कंडीशनर को परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे जाके जरूर करें क्लिक। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।